अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद नज़र है। मेरा सवाल ये है कि हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ अहले हदीसों की मस्जिद है नहीं, और हमारा काम भी वहीं पर है जहाँ पर अहले हदीसों की मस्जिद नहीं है। पहले कभी था वहाँ हम रहते थे, अब वहाँ से जो है काम हमारा बंद हो गया है, तो अब हमें काम मिला थोड़ा दूर, तो हम नमाज़ के लिए जाते हैं तो हमें इनके पीछे नमाज़ पढ़नी पड़ती है, तो ऐसे में क्या करना होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। भाई साहब का सवाल ये है कि हम ऐसी जगह हैं जहाँ अहले हदीस मस्जिद नहीं है। देखिए, इस तरह के सवाल आते हैं तो मैं अक्सर एक बात कहता रहता हूँ कि हमारे भाई लोग जब कोई कहीं पे शिफ्ट होना चाहते हैं, कोई जॉब लेना चाहते हैं, कहीं और मुंतकिल होना चाहते हैं, तो उससे पहले सवाल नहीं करते कि वहाँ पे जाएंगे तो नमाज़ का क्या मसला होगा। वहाँ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, सब कुछ कारोबार शुरू हो जाएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में अगर फिक्र होगी तो नमाज़ की फ़िक्र होगी, जबकि सबसे पहले फ़िक्र होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि एक आदमी अगर कहीं पे जाके शिफ्ट हो चुका है, उसका पूरा डिसीजन है कि हमें यही रहना है, तो उसके बाद उसको उसके मन का जवाब मिले या ना मिले, वो बहरहाल उसके जवाब से यानी सवाल जवाब से बहुत ज़्यादा उसको लेना देना नहीं होता है। वो सोचता है किसी तरह से कोई हमको एक सनद दे दे, सर्टिफिकेट दे दे कि हम यहाँ पर हमारा कोई सेटअप बन जाए। तो फ़िक्र पहले करनी चाहिए। जैसे आप कहीं पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले देखते हैं वहाँ पर स्कूल है कि नहीं बच्चों का, वहाँ पर हॉस्पिटल है कि नहीं, वहाँ पर आप सारी सहूलियात देखते हैं, तो मस्जिद के बारे में क्यों नहीं देखते हैं कि वहाँ पे मस्जिद है कि नहीं। इसलिए हमारा मशवरा यह है कि कहीं पे जाएं तो सबसे पहले मस्जिद का मसला हल करें कि वहाँ पे मस्जिद है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर दूसरी कोशिश ये होनी चाहिए कि वहाँ पे आप अहले हदीस मस्जिद तामीर करें। कुछ अपने हम ख्याल लोगों को इकट्ठा करके, चाहे एक छोटा सा रूम ही सही, 10x10 का रूम ही सही, लेकिन अहले हदीस मस्जिद की बुनियाद डालें, वहाँ पर शुरू करें। बाकी कुछ दिनों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि भाई चलो आपने मजबूरी में किसी ऐसे शख्स के पीछे आपने नमाज़ पढ़ लिया जो शिर्क व बिदअत अलल ऐलान नहीं करता है, शिरकिया कुफ्रिया अकीदे का इजहार नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है, तो चलो उसके पीछे गुंजाइश है कि आप उसके पीछे नमाज़ पढ़ लें। लेकिन अगर आप जिसको देखें खुलेआम शिर्क करते हुए, कुफ्र करते हुए, तो हम ये नहीं कहते उसके पीछे नमाज़ जायज़ नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि उसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए। जिस तरह से कोई शराबी शख्स हो तो ये नहीं कहेंगे कि उसको लड़की देना, अपनी लड़की की शादी उससे करना नाजायज़ है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि ऐसे लोगों से अपनी लड़कियों का रिश्ता ना करो। तो अगर वहाँ का इमाम कुफ्र शिर्क में मुबतला नहीं है, कुफ्रिया शिरकिया अकीदे का हामिल नहीं है, तो आप जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी बेहतर नहीं है। बेहतर यह है कि जो अहले तौहीद हो और सारी सुन्नतों पर अमल करता हो उसके पीछे नमाज़ पढ़ना चाहिए। तो कुछ दिन के लिए आर्जी तौर पर ऐसे लोगों के पीछे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं जो शिरकिया कुफ्रिया अकीदे के हामिल नहीं है और सुन्नतों में कोताही है, लेकिन अगर शिर्क कुफ्र के अकीदे का इजहार करता है तो ऐसे लोगों के पीछे नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा।